दिल्ली की कथित शराब नीति में घोटाले मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया है और 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। ईडी द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया ये चौथा सम्मन है। इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस चौथे सम्मन के बाद ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। हालांकि ईडी के तीसरे सम्मन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी का ये सम्मन राजनीति से जुड़ा हुआ है और इस चौथे सम्मन को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईडी के लगातार सम्मन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर ईडी को पूछताछ करनी है तो वे अपने सवाल लिखकर केजरीवाल को दे सकती है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करना शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि ईडी 4 जनवरी को अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड मार सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि केजरीवाल के घर 4 जनवरी को ईडी की छापेमारी हो सकती है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आतिशी या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को मनोहर कहानियां गढ़ने में बहुत मजा आता है। आपके लिए विपक्षना महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। एमपी का चुनाव महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं। आपको बता दें, दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में इस साल 16 अप्रैल को ईडी ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी और केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए 2 नवंबर को सम्मन जारी किया था, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। इसके बाद 18 दिसंबर को ईडी ने उन्हें दोबारा सम्मन जारी करके 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन इस बार भी सीएम केजरीवाल ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें तीसरा सम्मन 3 जनवरी को पेश होने के लिए भेजा गया, लेकिन उस तीसरे सम्मन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। हालांकि अब देखना होगा कि 18 जनवरी को भेजे गए ईडी के इस चौथे सम्मन पर क्या केजरीवाल ईडी दफ्तर जाते हैं या हर बार की तरह केजरीवाल का जवाब ही ईडी दफ्तर पहुंच पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।